फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाया था, 4 मार्क्स से मैं रह गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि सीसैट के लिए मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए थे और सीसैट के लिए मैंने यूट्यूब का सारा लिया था, यूट्यूब पे उनको वापस से मैं कहूँगा 5 से क्वेश्चन पेपर जितने हैं उनको सामने में लेकर के बैठे, और ताकि डेविएट ना हो जाए पढ़ने में कि वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मार्क कर ले इंडेक्स में कि हाँ ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका वेटेज ज़्यादा है। शुरू करें इकॉनमी से, 25 से 26 सवाल आते हैं, पॉलिटिक्स से 18-20 घंटे आप रेगुलर जो पढ़ते हैं, सोर्सेज अपने बहुत कम से कम ही रखें, जितने मटेरियल्स आप कम कर सकते हैं, जितने ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं उस चीज़ को उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा और ज़्यादा मटेरियल्स के पीछे ना भाग। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया था, काफ़ी मोस्टली डाफ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से, आप होम सेटअप का क्या है, आपने ऑप्शनल क्या चूज़ किया है, प्लस करंट में जितने इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपके ओपिनियन क्या है, तो बेसिकली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट था। और इंटरव्यू कौन था? इंटरव्यू पहला इंटरव्यू था। सर आपका ऑप्शनल और माध्यम क्या था? ऑप्शनल मेरा लॉ था, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने लॉ ही की थी तो इसलिए मेरा ऑप्शनल लॉ ही था। बात करें इंटरव्यू रूम की, तो कैसा माहौल था और बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था, उसमें 5 मेंबर्स होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज वो सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, जितने भी करंट इश्यूज हैं तो उस पर आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका क्या स्टैंड है, आप दोनों पक्षों को अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो, तो उस पर आपका ओपिनियन देना होता है, तो वो काफ़ी सही था। सर कुछ क्वेश्चन आपको रिकॉल कर पाओ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, एक आध क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओ? क्वेश्चन जैसे कि मैं, क्योंकि सिंस मेरा बैकग्राउंड लॉ है और अभी मैं इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया, उन्होंने कमेटी फॉर्म करने की बात कही है, तो उससे रिलेशन में क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट आया तो वो किस प्रावधान के अनुरूप आया है या उसको कैसे उसको टैकल करना है, या फिर सिंस होम स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे कि झारखंड का क्या पोजिशन है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या क्या हैं, और लॉ से क्या क्या हेल्प मिल सकती है सिविल सर्विसेज में, उसकी तैयारी आप कैसे करोगे? सर कोई सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछा गया कि अगर आप बनते हैं तो आप क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे या आप किस तरीके से देखते हैं किसी सिचुएशन को। सर आपने क्या जवाब दिया, जैसे ऑडियंस जानने के लिए भावुक रहती है इन क्वेश्चंस को, तो आपने क्या जवाब दिया इसका? तो मैंने एक बैलेंस आंसर दिया, कुछ कुछ पॉजिटिव्स मैंने गिनाए कि क्या क्या पॉजिटिव्स, मान लो मेरे से झारखंड है तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, नई नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, साइबर हब बनाने की बात है, IT पार्क्स बनाने की बात है, टूरिज्म माइनिंग टूरिज्म करने की कवायद चल रही है, तो इन सब में कैसे स्टेट आगे बढ़ सकता है, प्लस क्या क्या खामियां हैं, गवर्नेंस के इश्यू है, ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करने हैं, ट्राइबल पीपल एंड सर सबको साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको लेके एक सम्मिलित आंसर। सर आपका सेकंड अटेम्प्ट था, पिछले अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट रहा, क्या गलतियां की आपने उसमें जो नहीं हो पाए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाया था, 4 मार्क्स से मैं रह गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि लाइक जितनी बेसिक्स बुक्स होती हैं लाइक NCERTs हम लोग पढ़ते हैं तो उनको हम लोग काफ़ी समय इग्नोर कर देते हैं, इन NCERTs हमें पूरी एंड टू एंड कवर करनी चाहिए, उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू जो इनके अखबार हो गई, और प्लस जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक PIB होती है उनको फॉलो करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सूरज है, सूरज कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से करी हुई है, 5 ईयर्स का वहाँ पे कोर्स होता है, उसके बाद 2020 में मैंने ग्रेजुएट किया था और अभी यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा इसमें। सर आपका ऑप्शनल लॉ था जैसे कि आपने बताया, तो लॉ के क्या रिसोर्सेज रहे, आपने कहाँ से तैयारी की लॉ के लिए? लॉ के लिए मोस्टली जो स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स आती हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गई तो उसके लिए MP Jain की बुक है, और इंटरनेशनल लॉ हो गई उसके लिए एक स्टैंडर्ड एक बुक आती है, SK Kapoor की एक बुक आती है, बाकी जितने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक Paper 2 में उनके लिए आप अशोक जैन वगैरह भी आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज उसमें जितने आप शॉर्ट और ये रखोगे क्रिस्प रखोगे नोट्स वगैरह, दैट विल हेल्प यू इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मैंने वो यूज़ किया। सर बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने तैयारी कैसे की, कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडी की थी आपने? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं की, क्लासरूम प्रोग्राम मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है, लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने ज़रूर लिए कोचिंग जितने सारे संस्थान के हैं, क्योंकि मैं यहीं पे रहा हूँ, करोल बाग में ही रहा हूँ, तो यहाँ पे मटेरियल्स काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, और अभी तो सिंस इंटरनेट भी है तो काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स या फिर जहाँ से भी आप ले सकते हो, तो मटेरियल्स का मैंने जहाँ जहाँ जितनी उपयोगिता थी उस हिसाब से मैंने उसका। सर आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई थी और कितना रोल रहता है टेस्ट सीरीज का? टेस्ट सीरीज़ बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, अगर आपने प्रिपरेशन करी है रिवीजन के लिए चाहते हैं तो इनसाइट्स की मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, और इसके अलावा फोरम IAS हो गया, वो भी मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, इन सब की काफ़ी काम आती हैं। सर बात करें स्ट्रेटजी की, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्या रिसोर्सेस रहे आपके? प्रीलिम्स के लिए तो वही था, जितने भी NCERTs हैं उनको अच्छे से करना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी अच्छे से NCERT करना और उसकी अपने से नोट्स बना लेना ताकि आप रेडी उसको रेफर कर पाए।
पाए, क्योंकि अंत में क्या होता है इन द एंड यू नॉट हैव सो मेनी टाइम सो मच टाइम टू रिवाइज ऑल द स्टफ दैट इज देयर। सो एक शॉर्ट नोट्स अपने पास तैयार रखें और जितनी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो लगाना काफ़ी एसेंशियल है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। सर आपने एनसीईआरटी बताई तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या टोटल एनसीईआरटी पढ़नी है 6th से लेकर 12th तक या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं? जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री की आप बात करें तो क्लास 11th की उनकी बुक आती है आर एस शर्मा की, वो आप पढ़ सकते हो एंशियंट के लिए। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक और किताब है एनसीईआरटी क्लास 11 12th की। तो सारी पढ़नी ज़रूरी नहीं है 6 से 12 बिकॉज काफ़ी धीरे धीरे करके उसमें यह रहता है। एक बार में आपको पढ़नी है तो एक एक बुक आप रेफर कर सकते हो 11 12th की, और वही ज्योग्राफी में भी आप 11 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे एक बेसिक आपका पूरा तैयार हो जाता है। सर आपने बताया शॉर्ट्स नोट्स बना लें मतलब एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, तो क्या पहले ही रीडिंग से बना लें या फिर एक दो बार पढ़कर? नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स आप एकदम लास्ट में बनाए करें, बिकॉज जितनी बार आप पहले रिवाइज करेंगे उतनी बार आपके मन में वो चीज़ जाएगी कि हाँ ये सारी चीज़ आपकी सॉलिडिफाई हो चुकी है, और एक बार वो चीज़ जाए उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाए, नहीं तो क्या नोट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे आपके फर्स्ट रीडिंग में ही। तो दो तीन रीडिंग करने के बाद ही उसको इंटरनलाइज करें। हाँ सर थोड़ा मेंस के बारे में और बताएं क्या रिसोर्सेज रहे, कहाँ से तैयारी की आपने मेंस? मेंस के लिए मैंने उसके लिए कोचिंग वगैरह नहीं ली, लेकिन जितने न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो एडिटोरियल सेक्शन होती हैं उसमें जो मोस्टली करंट के क्वेश्चन ही आते हैं ये मेंस के एग्जामिनेशन में, या फिर अगर कुछ कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी अगर आप मेंस के एस्पेक्ट्स लिख पाएंगे तो दैट इज़ बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तो मैंने जितने एडिटोरियल्स थे उनके कंपाइलेशन देखना शुरू किए या फिर खुद से मैंने उनको कंपाइल किया, कुछ कुछ नोट्स तैयार किए अपने और उसी से मैंने फिर आंसरिंग उसी से की। क्योंकि सर आपने करंट की चर्चा की, करंट के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो आपने करंट अफेयर्स को कहाँ से तैयार किया, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप, और न्यूज़पेपर को एनालिसिस देखते थे यूट्यूब पर या सेल पढ़ते थे? नहीं, न्यूज़पेपर मैं खुद ही पढ़ता था, बिकॉज एनालिसिस वीडियोज़ देखने में काफ़ी समय चला जाता है, 2-2.5 घंटे चले जाते हैं उसमें। इससे पहले अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है जो हमें डालनी चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो एडिटोरियल्स हिंदू की और एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आती है उन दोनों की, उन दोनों से काफ़ी बढ़िया आप कंपाइलेशन एक बन जाता है, इससे आप खुद तैयार कर सकते हैं। सर जैसे आप प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय बचा है, 1.5-2 महीना बचे हैं, तो आप क्या करना चाहिए एस्पिरेंट को, आप कैसे तैयारी करनी चाहिए? अब उनको वापस से मैं कहूँगा पास से क्वेश्चन पेपर जितने हैं उनको सामने में लेकर के बैठें, और ताकि डेविएट ना हो जाए पढ़ने में कि वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मार्क कर लें इंडेक्स में कि हाँ ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका वेटेज ज़्यादा है। शुरू करें इकोनॉमी से, 25-26 सवाल आते हैं, पॉलिटी से 18-20 सवाल आते हैं, तो ये जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर लें और पास से क्वेश्चन पेपर अच्छे से करें, और अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें और 40-50 क्वेश्चन उन्हीं से लग जाएंगे। सर जैसे सी सेट काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपके, कैसे पढ़ते थे आप? सी सेट के लिए मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए थे और सी सेट के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं मैथमेटिक्स से रीजनिंग के जो कोर्सेज होती हैं तो उन्होंने चैनल्स में अपलोडेड किए हुए होते हैं, तो उनको आप देख करके फिर मैंने पास से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जिससे मुझे आइडिया लग गया कि क्या क्या पैटर्न है उसको कैसे बनाना है। जो भी एस्पिरेंट मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहोगे? क्या आप अच्छे से पढ़ाई करें, मजा आकर पढ़ाई करें आप। सर मेरे एक लास्ट क्वेश्चन, अगर बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, इंटरव्यू तक की जर्नी की, तो कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? काफ़ी यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में बहुत लंबी जर्नी होती है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, बीच में पेशेंस रखना वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। आप अपने ऊपर बिलीफ रखें, बिलीफ को ना खोएं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्टीमेटली वो एक दिन आपको शो करेगी ही। और अभी तो मुझे पता नहीं जर्नी कितनी लंबी है, लेकिन अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ओके सर, थैंक यू सर।